रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और खत्म। क्लाउड बस्ट हुआ और यहाँ पर जो ये इलाका देख रहे हैं मेरे राइट साइड में लगभग 20-25 घर यहाँ पर थे, लगभग 40 से 42 लोग यहाँ पर वास्ट अवे हो चुके हैं। दूसरा सर्चिंग यहाँ पर भी सर्चिंग की गई है, राहत एवं बचाव कार्य पूरे जोर पर है। डेड बॉडीज को निकालने का कार्य तभी किया जा सकता है जब धूप निकलती है। तो 49 के करीब मिसिंग है पर और भी कुछ सूचनाएं आई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद लापता हुए 49 लोगों की तलाश के लिए बचाव कर्मियों ने शुक्रवार को दूसरे दिन तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश के कारण भीषण बाढ़ आई है जिसमें 6 पुल, 20 घर और 6 दुकानें बह गई, जिसके कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 36 घंटे से अधिक समय से जारी आपदा के बाद लापता लोगों के बचने की संभावना कम होती जा रही है, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। सबसे अधिक नुकसान शिमला जिले में हुआ, जहां रामपुर तहसील के झाकरी में एक जल विद्युत परियोजना के पास स्थित समेज गांव में अचानक आई बाढ़ में 33 लोग और 20 घर बह गए, जिससे पूरा इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। ये गांव कुल्लू जिले की सीमा पर स्थित है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सड़क मार्ग से रामपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे। हिमाचल त्रासदी पर केंद्र सरकार भी एक्शन मोड पे आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने कहर ढाया है। प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने के साथ मौत का सैलाब आया। इस जल प्रलय में अब तक कई लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम से कम 4 जगहों पर बादल फटे। मंडी के गांव में बुधवार और गुरुवार की रात 12 बजे के करीब ये तबाही बरपी। जिन लोगों को मालूम पड़ा वो लोग बचाव करके निकल गए, लेकिन जो लोग सो रहे थे वो इस मलबे की बाढ़ की चपेट में आ गए। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि प्रकृति ने हिमाचल में किस तरह से कहर बरपाया है। कई मकान पूरी तरह से साफ हो गए, पहाड़ गिरने के कारण कई लोग उसमें दब भी गए। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।